अलैकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, मेरी स्क्रीन मैं शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे काइंडली इनबॉक्स में बताते हैं कि मेरा शेयर हो रहा है कि नहीं। सबके लिए अवेलेबल है स्क्रीन? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस है और मैं इस कोर्स की इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर 2 साल से ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर चुकी हूँ। मैं ज़्यादातर फ्रीलांसिंग करती हूँ और मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीलांसिंग करती हूँ, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, बेहेंस और अपवर्क आते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी मैं आपको इस कोर्स के एंड में काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जिस पे आप लोग काम कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अपना पोर्टफोलियो शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस टाइप का काम करेंगे। हम बेसिक करेक्टर डिज़ाइन करेंगे, जिसमें पहले तो हम स्केचिंग से शुरू करेंगे ताकि मतलब सारा प्रोसीजर, मॉडल शीट, हर चीज़ से सीक्वेंस से चलेंगे। ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में किए थे, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। ये कैरिकेचर है और उससे पहले मॉडल शीट थी। ये कार्टून पोर्ट्रेट स्टाइल है, वेक्टर आर्ट सीरीज है इलस्ट्रेशंस की। इसमें मतलब करेक्टर भी है और इसके साथ इसका बैकग्राउंड भी है। वेक्टर आर्ट ये इलस्ट्रेशंस बुक है जो कि ये एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। ये सिक्योरिटी गार्ड्स के करेक्टर डिज़ाइन है जो मैंने अपने बिहेंस के लिए बनाए थे। कंपनी की ऐप थी जिनकी उन्होंने अपने इंटरफेस के लिए, अपनी ऐप पे लगाने के लिए ये करेक्टर यूज़ करने थे, इसलिए उन्होंने एक इंटरफेस पे दिखाने के लिए करेक्टर बनवाए। तो मतलब करेक्टर डिज़ाइन आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी सेल कर सकते हैं। Illustrations, ये सारी, ये जो है ये काम हमने इलस्ट्रेटर पे किया है और जो ये चीज है ये फोटोशॉप पे हुई हुई है। ठीक है, कहाँ से रिपीट कर दूं आप लोग काइंडली? अच्छा, वैसे मेरी आवाज साथ साथ आ रही है ना आप लोगों को? आप लोग मुझे इनबॉक्स में बताते रहें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, अगर क्योंकि आप लोगों को हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग दी जाएगी तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इस चीज का। अभी मैंने अपना सिंपल पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ शेयर किया है जो कि आप लोग रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं कि आप लोग आगे किस टाइप का काम करेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं इस कोर्स की आउटलाइन शेयर करती हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप लोग इस कोर्स में आगे क्या पढ़ेंगे। तो
हम लोग पहले सिंपल शुरू से स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद आप लोग मुझे थोड़ा बताइएगा कि आपसे पहले किस किस ने मतलब फोटोशॉप और अडोबी इलस्ट्रेटर पे काम किया हुआ है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने परसेंट लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि हम क्या पढ़ेंगे। चलें पहले हम लोग मतलब शुरू करेंगे कि क्रिएटिव डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसका डिज़ाइन किन प्रोसीजर से गुजर के क्रिएट किया जाता है। फिर हम इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे कैनवासेस और इंटरफेस जो है हम लोग कैसे सेट करते हैं, और उनको मतलब किस तरीके से आप लोग आराम से, अगर आप लोगों ने प्रिंट करवाना है अपना करेक्टर तो आप लोगों को क्या सेटिंग रखनी चाहिए, और अगर आप लोगों ने डिजिटली सेल करना है अपना करेक्टर तो आप लोगों को क्या क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए अपने कैनवास की। और उसके बाद हम काफ़ी मल्टीपल टूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे ये देखें ये सारे के सारे टूल्स हैं, तो आपको मतलब इन सारे टूल्स का मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे। और उसके बाद हम साथ साथ टूल्स के साथ साथ बाकी काम में भी आते रहेंगे करेक्टर डिज़ाइन के प्रोसेस में, जिसमें आएगा आप लोगों तो को मैं साथ साथ ये दिखाती हूँ। ये आप लोगों के लिए स्लाइड्स तैयार की थी ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए हम लोग किस टाइप की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्रिएटिव डिज़ाइन होता है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से हम लोग गुजर के बनाते हैं, क्योंकि हम एकदम से क्रिएटिव डिज़ाइन नहीं कर देते, हमें उसके लिए पूरी उसका कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है कि हम किस बैकग्राउंड पे रखने वाले हैं अपना करेक्टर, और फिर उस करेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कैसे यूज़ होगा, मतलब वो कहाँ के लिए बनाया जा रहा है, मतलब वो विलेज के लिए बनाया जा रहा है, सिटी के लिए बनाया जा रहा है, अगर सिटी में है तो अगर वो घर के लिए है, ऑफिस के लिए है, कहाँ के लिए है, तो हर एक एक पॉइंट को नोटिस करना चाहिए जब भी हम करेक्टर डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जो करेक्टर क्रिएटर होता है, डिज़ाइनर जो होता है, वो करेक्टर को एज अ व्हीकल यूज़ करता है पूरी स्टोरी को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो आप लोगों ने कुछ ये फेमस करेक्टर्स तो हर किसी ने ही देखे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं, तो अगर आप मतलब इन करेक्टर्स को देखें तो ये बहुत ही सिंपल बने हुए हैं, लेकिन लेकिन आप लोग इनको मतलब अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से, सिंपल और अच्छे डिज़ाइन से आप करेक्टर बना सकते हैं। जो हम दो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इसके अंदर वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप हैं, जिसका इंशाल्लाह मैं एंड में आप लोगों को प्रोसीजर भी बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से इनको डाउनलोड करना है अपने अपने लैपटॉप्स में। ये कुछ टूल्स हैं जो कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को दोनों के थोड़े बेसिक टूल्स हैं, जिनका काम सबसे ज़्यादा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें शेप बिल्डर है, पेन टूल, पेन टूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आप लोगों की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, और ब्रश टूल, क्रॉप टूल, मूव टूल, पेंट बकेट, ये सारे टूल्स आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब इस कोर्स में सिखा दूंगी। ये एक प्रोसेस चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो कॉन्सेप्ट से पहले रिसर्च वर्क आता है, जिसके अंदर आपको अपना करेक्टर का कौन बैकग्राउंड सर्च करना होता है, जिसके अंदर करेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, उसकी टारगेट ऑडियंस आती है कि आपका जो करेक्टर है वो किन के लिए यूज़ किया जा रहा है, कि आप वो बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हो, बड़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, अडल्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, किन के लिए, क्या एज ग्रुप क्या है उनका। तो जैसे कि अगर आप गेम्स के लिए करेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें भी जो 18+ बच्चे होते हैं या उनसे जो बड़े बच्चे लोग होते हैं उनके लिए जो करेक्टर बनाए जाते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और जो उनसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो करेक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं वो और डिफरेंट होते हैं उनसे। तो मतलब इनकी थ्योरी और साइकोलॉजी क्या है ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी आगे, और उस करेक्टर का मोटिवेशन क्या है, मतलब वो क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग उसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे और उसका सारा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि वो करेक्टर का बैकग्राउंड कैसे सेट किया जाएगा और उस करेक्टर को हम और रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं। ये एक
करेक्टर डिजाइन चार्ट है जिसमें हम सारे प्रोसीजर से गुजरेंगे, जिसमें लाइनअप आएगा, फिर उसको हम नीट करेंगे, उसके बाद उसमें कलर ऐड करेंगे, उसको और शेडोज डालेंगे उसके अंदर, और उसको शेप वगैरह देके, और फिर उसके बाद हम उसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। जहाँ से जिसको मेरी आवाज़ क्लियर ना आए वो मुझे काइंडली इनबॉक्स में बता दे। ये एक और छोटा सा डेमो है, आप यहाँ से टर्न अराउंड शीट इसको कहा जाता है। जब भी कोई भी करेक्टर बनाया जाता है, खासतौर पे किसी क्लाइंट के लिए जब हम करेक्टर बनाते हैं तो उनके लिए अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा स्लोली चलती हूँ। मेरे ख्याल से मेरी ये नॉर्मल आपको मैं करेक्टर्स दिखा रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे किस तरह के करेक्टर्स बनाने सीखोगे। मतलब जब आप किसी क्लाइंट के लिए जब भी करेक्टर बनाओ इंशाल्लाह आगे, तो उनको हमेशा तीन करेक्टर पोजेस ज़रूर आप लोगों को देने चाहिए, क्योंकि उससे मतलब एक तो ट्रस्ट बहुत बढ़ता है, और उसके अलावा अगले बंदे को भी लगता है कि हाँ ये ट्रस्ट बढ़ती है आपको, वो इंशाल्लाह आगे और काम देना पसंद करेगा। और उसमें थ्री पोजेस जो होते हैं वो है फ्रंट, बैक और साइड। ये पोजेस मस्ट होते हैं जब भी आप किसी के लिए करेक्टर डिज़ाइन करते हो, और इस चीज़ को टर्न अराउंड शीट कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर इस करेक्टर के फ्रंट पोज, साइड पोज और बैक पोज सारा बना हुआ है। उसके बाद इसको सिलहट से भी उन्होंने दिखाया है आपको कि सिलहट क्या होता है। सिलहट इस चीज को कहते हैं कि जब अपने करेक्टर के अंदर से आप कलर की जगह आप ब्लैक कलर फिल कर दो, और आपका जो कलर करेक्टर हुआ है वो फिर भी मतलब ऑडियंस के लिए ईजी हो जज करना कि ये कौन सा करेक्टर है, तो इस चीज़ को सिलेक्ट कहते हैं कि वो आपके करेक्टर को आइकॉनिक बना देती है। जैसे मैं आपको कुछ करेक्टर्स के ना दिखाती हूँ, सिलेक्ट दिखाती हूँ ताकि आप मुझे बता सको, आपको वो पता चल रहा है कि वो कौन से करेक्टर हैं। मुझे इनबॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत कोई मैसेजेस करके बताओ आपको इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर पता चल रहे हैं। टॉम, राइट, पिकाचो, टॉम एंड जेरी, जेरी, डोरा, यस राइट, मिस्टर बीन, या ठीक, स्पंजबॉब, डोरा, हाँ। या तो आप लोगों को अंदाजा हो गया कि सिलेक्ट किस चीज को कहते हैं, ऐसी चीज जिसमें आपके करेक्टर में से कलर्स को रिमूव कर दिया जाए और उसको ब्लैक कलर से फिल कर दिया जाए, उस चीज को सिलेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब सॉरी ये मेरा काम है। अच्छा ये और सिलहट, जब भी आप करेक्टर डिजाइन करते हो उसके थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आता है सिलेट, जो कि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि सिलेट क्या होता है। उसके बाद आता है कलर पैलेट। कलर पैलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप जब भी करेक्टर डिजाइन करते हो आपका करेक्टर बहुत परफेक्ट बना है, बहुत अच्छा बना है, लेकिन आप उस करेक्टर में अगर कलर अच्छे नहीं डालोगे तो वो जो उसकी वो जो रिप्रेजेंट उसने करना है, अगर वो सेट कलर, हम इंशाल्लाह वैसे ना कलर थ्योरी भी थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों आगे जब आप करेक्टर डिज़ाइन करो तो आप लोगों को पता हो कि आप कौन से करेक्टर के अंदर कौन से कलर यूज़ करो। तो कलर पर उसके बाद एग्जैजरेशंस जो होते हैं वो हमेशा कार्टून्स करेक्टर, जब भी आपने देखे होंगे कार्टून्स, तो उनमें चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि मतलब अगर कोई स्माइल करे तो उसकी स्माइल उसके फेस से भी बाहर जा रही होती है, तो उस चीज़ को और रियलिस्टिक दिखाने के लिए इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो डाले जाते हैं। अब इससे आगे हम शेप्स पढ़ेंगे। थ्री बेसिक शेप्स हैं, ट्राइंगल, स्क्वेयर, सर्कल। अब इन तीन शेप्स का, हर एक शेप का अपना अपना एक मीनिंग होता है, जिसमें मतलब जैसे अगर आप सर्कल देखते हो तो आप एक गोल सी जब चीज देखते हो तो आपको उससे एक सॉफ्टनेस फील होती है। अगर आप मतलब उसको देखो तो आपको लगता है कि इससे कोई खतरा फील नहीं हो रहा, वो एक राउंड सी स्मूथ सी चीज है। तो इसी तरह अगर आप स्क्वायर को देखो तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बताओ कि आप स्क्वायर को देख के क्या क्या फील करते हो।
सारे पार्टिसिपेट करो चीज में, ये आप लोगों के आगे काम आएगा काफी। स्क्वेयर ठीक है। और सबको क्या लगता है, जैसे सर्कल को देख के हमें सॉफ्टनेस फील आती है, हमें मतलब उससे डरने का नहीं लगता। हार्ट, हाँ राइट, स्क्वायर को देख के एक सॉलिड फॉर्म हमें फील होती है, ठीक है। हार्ट, ट्रायंगल को देख के क्या लगता है, शार्प, स्मार्ट, गुड, सर्कल सॉफ्ट, राइट, पॉइंटेड, हाँ गुड। चलें ठीक, ये हाँ माउंटेन्स ठीक है। जैसे आप लोगों ने, सारों ने जो जो बताया है वो काफी हद तक बिल्कुल ठीक चीजें बताई हैं कि हाँ, जैसे अभी मंसूर ने बताया है कि जो ट्रायंगल है वो पॉइंटेड और शार्प होता है, यानी अब आप चीज नोट करो कि जब एक चीज पॉइंटेड है, शार्प है, तो मतलब आपको उस चीज से खतरा है, मतलब आपको पता है कि ये चीज आपको हर्ट करेगी। तो अब आप इन इन पे आओ, ये तीनों डॉग्स की फॉर्म है जिसमें सर्कल आ रहा है, तो सर्कल वाला जो उन्होंने डॉग क्रिएट करा है वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्यूट सा पपी लग रहा है, जिससे आप जिसको देख के लग रहा है हाँ वो बहुत फ्रेंडली है, उससे आपको कोई भी खतरा नहीं है, वो मतलब बहुत बाउंसी सा है, सेफ है, मतलब हार्मलेस है। इसके साथ ही अगर हम दूसरी शेप पे आते हैं स्क्वायर की, जो उस फॉर्म में क्रिएट किया गया है डॉग, उसकी अगर आप देखें पेरेंट्स, तो वो एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मतलब एक गार्ड डॉग लग रहा है। आप लोगों को ऐसा देख के लग रहा है इस चीज को कि ये गार्ड डॉग है, ठीक है। और उसके साथ जो है अगली जो फॉर्म है ट्राइंगल, जिसमें डॉग को बहुत ही शार्प लुक दी गई है, जिसमें वो आ रहा है कि हाँ ये बहुत ज्यादा नॉटी सा करेक्टर होगा, बहुत इवल टाइप होगा, जिससे मतलब आपको खतरा है, तो इसमें डेंजरस और इस तरह की चीज शो होती है। जब भी आपने किसी चीज को इवल चीज दिखाना होता है तो आप उसके अंदर एजेस डालते हो, ट्राइंगल से उसको रिप्लेस करते हो, ताकि उस चीज को आप मतलब डेंजरस दिखा सको कि हाँ इससे आपको कोई खतरा है। ये थ्री बेसिक शेप्स हैं जिनको थोड़ा सा रिफॉर्म वगैरह करके ज्यादातर डिजाइनर्स जो हैं वो अपने करेक्टर डिजाइन करते हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ सर्कल, रुकें ये वाली लेयर ऑफ कर दूं। हाँ ये देखें, अब आप लोग ये देखें करेक्टर्स का सर्कल शेप, इसमें जो करेक्टर डिजाइन किए गए हैं तीनों के तीनों, उनकी हर एक एक चीज में कर्व आ रहा है, कर्व से स्मूथनेस शो होती है कि हाँ उसकी सारी चीजें स्मूथ हैं, तो वो एक कर्वी सा है, सॉफ्ट सा है, तो वो इनोसेंट करेक्टर है। तो यहाँ पे आप देखें इसके पाँव, इसके हाथ, ऐनक, इसकी नाक तक देखें, आपको मेरे ख्याल से पता नहीं शो हो रही है कि नहीं, ये आपको आपको मतलब स्क्रीन मेरी सही शो हो रही है, आपको करेक्टर सही नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसकी नोज देखें, इसके अंदर भी कर्व है, और इसके हाथ हर चीज में कर्व डाला हुआ है, और यहाँ पे जो ये वाला करेक्टर है, इसकी ग्लासेस, इसका नोज, इसका फेस बहुत बॉल जैसा है, इसके हाथ, इसकी पॉकेट्स, पैर, हर चीज। और जो ये करेक्टर है, अब ये मतलब सर्कल में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये ओवल में आ रहा है। अब जो ओवल है वो भी बिल्कुल जो होता है स्मूथ सा होता है, उसमें कोई एजेस नहीं होते, कोई उसमें पॉइंट्स नहीं होते, वो कर्व सा होता है, तो वह एक स्मूथ करेक्टर है। तो इसी तरह जैसे सर्कल की प्रॉपर्टीज हैं, वो इन तीनों करेक्टर्स में डाल के इनको एक इनोसेंट करेक्टर दिखाया गया है। इसी तरह जब हम दूसरा करेक्टर देखते हैं ट्रायंगल, अब इसमें जो ये तीनों करेक्टर्स हैं, ये
इवल करेक्टर्स आपको देखने में लगेंगे, इनको देख के लगेगा हाँ ये थोड़ी स्ट्रिक्टनेस इनसे शो हो रही है, इनमें थोड़ा बहुत कुछ इवल टच होगा। अब इसमें देखें, जो पहला वाला करेक्टर था हमारा, उसकी नोज देखी थी और इसकी नोज देखें, हालांकि मतलब क्या जरूरत थी इस तरह की नोज बनाने की, लेकिन क्योंकि जो डिजाइनर होता है वो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के ही एक अपना करेक्टर डिजाइन बनाता है, और तभी वो इतने अच्छे लगते हैं जब हम कोई मतलब बच्चे कार्टून देखते हैं, और जब हम कोई चीज देखते हैं तो हम उस चीज को देख के जज कर लेते हैं हाँ ये करेक्टर इस तरह की पर्सनैलिटी रखता है, इसकी नाक, इसकी हाथ, हर चीज के अंदर ना बहुत ज्यादा शार्पनेस डाली हुई है। इसी तरह इसके जो साथ वाला करेक्टर है, इसके बालों में देखें किस तरह से उसे मतलब ना कर्व दिया गया है, जबकि हमारा जो पहले वाला करेक्टर थे उनके बाल देखें और जो हमारा दूसरा करेक्टर है इसके बाल देखें, क्योंकि इसको हम लोगों डिजाइनर ने जो था इवल दिखाना था इसीलिए उसने इसमें एडजस्ट डाले हैं। अब जो ये वाला करेक्टर है देखने में यार आप सबको लग रहा होगा, अच्छा इस करेक्टर की जो है आप लोगों को क्या लग रहा है ये किस टाइप का करेक्टर है, मुझे इनबॉक्स में बताएं। सर्कल, ठीक है हाँ सर्कल है, तो सर्कल से देख के आपको क्या लग रहा है किस टाइप का करेक्टर होगा, इनोसेंट होगा या किस टाइप का होगा, शाय, फ्रेंडली, ठीक है, एंग्री, ठीक है, चबी, गुड, सही, और क्या क्या लगता है, सॉफ्ट, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर ये सर्कल है तो ये इस स्लाइड के अंदर क्यों डाला हुआ फिर इन्होंने, मतलब रुके मैं इसको थोड़ा सा फोकस करती हूँ ताकि आपको और नजर आइए। हाँ अब देखो इसको अच्छी तरह से नोटिस करो और मुझे आइडिया दो, ठीक है, राइट, हाँ मंसूर बिल्कुल ठीक, इसको नोटिस करो। अभी मैंने काफी एक्सप्लेन किया तीनों शेप्स को कि आपको करेक्टर को देख के क्या क्या फील होता है, राइट, ठीक है। अब मतलब काफी लोगों ने नोट करना शुरू किया है करेक्टर में कि क्या क्या चेंजेस हैं। हाँ देखो वो देखने में वाकई में ही एक सर्कल सा लग रहा है, लेकिन हमने उसका जो पर्सनैलिटी है वो कहाँ से जज करनी शुरू की है, हमने उसके ड्रेस सेंस देखी है, उसकी नोज देखो, उसके जो उन डिजाइनर ने उसके बाल बनाए हैं उनमें देखो एजेस हैं, मतलब इसको देख के अब क्या लग रहा है कि ये एक डुअल पर्सनैलिटी रखता है। हाँ ये ठीक है, अच्छा ये डुअल पर्सनैलिटी रखता है कि वो जो स्वीट करेक्टर्स होते हैं ना के ऊपर से मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं लेकिन अंदर से वो इवल होते हैं। अब यहाँ पे उसके आप टांगों की डायरेक्शन देखो, जो हमारा पुराना करेक्टर था इसकी टांगों के एक्सप्रेशंस देखो, और जो हमारा नया करेक्टर है इसकी जो लेग्स हैं इनकी डायरेक्शन देखो, इससे आप अगर आप ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगोगे ना तो इनशाला आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि करेक्टर को इस तरीके से क्यों डिजाइन किया गया है। कोई भी चीज साथ से समझ ना आए तो मुझे जरूर पूछना इनबॉक्स में, ठीक है, अच्छा आगे मैं आपको और कुछ दिखाती हूँ एक्सप्रेशंस के बारे में, दिखाती हूँ कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मैं आपको शुरू में इस तरह के एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस दिया करूंगी क्योंकि देखो हम एकदम से एडवांस पे नहीं आ सकते, आपको अभी तो लग रहा होगा, सॉरी थोड़ी देर स्टॉप कर लेते हैं, हाँ
ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चले। मैं आप लोगों से कह रही थी कि हम लोग इस कोर्स में थोड़े बहुत इस तरह के नॉर्मल एक्सप्रेशन से ट्राई करना शुरू करेंगे, जिसमें आप लोग सिंपल शेप लोगे और उसमें आप लोग इस तरह के मतलब करेक्टर्स को एक्सप्रेशंस दे सकते हो। मैम आई वांट टू बी अ कॉमिक आर्टिस्ट, सो शुड आई स्टार्ट डिजिटल और ऑन पेपर? देखो, आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन होते हैं। वैसे तो ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं, जो डिजाइनर होते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जो होते हैं आईपैड्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं। तो जो मैंने भी हमेशा जो काम है वो मैंने अपना लैपटॉप से ही शुरू किया है। मैंने पेपर पे असाइनमेंट्स करती थी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी हमारी कि आप लोगों ने स्केच बुक पे ड्रॉ करके लाना है अपना करेक्टर, तो वो मेरी एक रिक्वायरमेंट थी टीचर्स की, तो इसलिए मैं उस पर ड्रॉ करती थी। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है कि आप लोग कहाँ पे ड्रॉ करते हो, जैसे आप लोगों को आसानी लगे वैसे, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा हैंडी कौन सा है, पेपर है या फिर ग्राफिक टैबलेट है। तो मुझे वैसे लगता है शुरू में आप लोगों को ना पेंसिल से ज़्यादा अच्छा होता है ड्रॉ करना, क्योंकि फटाफट बनाया, आप लोगों के पास वो आइडियाज ड्राफ्ट पड़े रहते हैं, तो कॉपी पेंसिल स्केचबुक अच्छा ऑप्शन है। यस यू कैन, आप लोग आराम से बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, आप सबको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेशंस आप लोगों ने देखे कि क्या होते हैं। आगे एनाटॉमी आता है। जब आप लोग करेक्टर्स पढ़ोगे तो जो करेक्टर्स की एडवांस फॉर्म होती है उसमें आप लोग अपने करेक्टर्स को मुख्तलिफ शेप्स देते हो, कि वो उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में लेके आते हो। जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे वो उसकी बेसिक शेप्स होंगी, कि उसको टर्न अराउंड शीट में जितनी शेप्स मैंने आपको दिखाई थी कि करेक्टर को किस तरह डिजाइन किया जाता है, उसकी बेसिक शेप्स क्या होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ ये मटेरियल शेयर कर दूंगी। ये रफ मटेरियल है, मुझे कोई इशू नहीं होगा आप लोगों के साथ शेयर करने में, जितना आप लोगों के लिए आसानी होगी। मैं आप लोगों को मुख्तलिफ जगह से, आप लोग मुझे बता देना ग्रुप में कि आप लोगों को किस टाइप का मटेरियल चाहिए, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, चले, सही है। आप लोग ये लैपटॉप, हाँ आप लोग लैपटॉप पे यूज कर सकते हो। मेरी ज्यादातर इलस्ट्रेशंस जो होती है मैं लैपटॉप पे करती हूँ, क्योंकि मेरा उस पर काफी अच्छा हाथ बैठा हुआ है। अच्छा, विल यू टीच टू ड्रॉ द, जी जरूर इंशाल्लाह, मैं आप लोगों से ये जो प्रोसेस है ये जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन इस कोर्स के अंदर ये वाला पार्ट नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि सारे जो यहाँ पे हैं ज्यादातर वो शुरू से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पहले सॉफ्टवेयर को सीखना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब वो लोग बेसिक समझ जाएंगे करेक्टर्स की के क्या है, किस तरह से हम लोगों ने बेसिक शेप से करेक्टर को बनाना है, उसको बेसिक शेप से मतलब जो मैंने आप लोगों को एक टर्न अराउंड शीट जो दिखाई थी, मैं आपको दोबारा शेयर कर देती हूँ। ये आप लोग
इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर इस स्टेज तक जरूर आ जाओगे कि आप लोग एक इस तरह का करेक्टर डिजाइन करने लग जाओ और उसके साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी डिजाइन करो। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। अब आगे अगर आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहा तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आगे इस टाइप का भी कोर्स आएगा कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनाटॉमी सिखाऊंगी और उसके लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और चीज़ें बताऊंगी जिससे आप लोग ज़्यादा आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं। ये देखें, इसमें ये पेंसिल से ही नॉर्मल करेक्टर को डिज़ाइन किया गया जिसमें उसके साइजेस को बताया गया कि स्मॉल, लार्ज और एवरेज और चब्बी, एवरेज, स्किनी, ये सब किस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। देखो, अपनी ड्राइंग को शुरू में ना हमेशा सिंपल रखना है। हम लोगों ने एकदम से एडवांस लेवल पे नहीं चले जाना। जब तक आप लोगों के हाथ नहीं बैठ जाता चीज पे तब तक आप एकदम से एडवांस फॉर्म में नहीं जंप कर सकते। देखो, आप लोग करेक्टर्स जो हो वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों पे ही बनाओगे। आप लोगों को मैं दोनों ही अच्छे तरीके से बताऊंगी ताकि जिसके लिए जो भी आसानी हो वो उस पर डिजाइन कर ले। देखो, जो फोटोशॉप होता है वो जो है ना पिक्सेलेट होता है, मतलब जब आप उसको बहुत ज्यादा जूम कर देते हो तो उसके पिक्सल जो है ना वो फटने लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बुरा रिजल्ट देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन जो अब मैंने जैसे आप लोगों ने मेरा ये देखा होगा, रुको, कहाँ गया वाला करेक्टर, हाँ ये तो ये शीट है मेरी, रुके मैं ये आपको ना दिखाती हूँ। ये आप लोगों को सबको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सही तरह? ये मैंने पूरा का पूरा फोटोशॉप पे बनाया है। इसमें इवन के इसमें ये जो पीछे काम हुआ है ना, ये भी मेरा फोटोशॉप पे ही बना हुआ है। इसमें हर चीज फोटोशॉप पे बनी हुई है, तो मतलब आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हो कि फोटोशॉप पे जो काम है, अगर आपने उसको प्रिंट नहीं करवाना, आपने मतलब उसको सॉफ्ट कॉपी पे रखना है, तो फोटोशॉप इलस्ट्रेशंस के लिए बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत अच्छा शेडो वर्क कर सकते हो। लेकिन जो इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर आर्ट के लिए होता है। वेक्टर आर्ट डिजिटली बहुत अच्छा है। वेक्टर आर्ट से ये होता है कि आप अपने आर्ट को जितना मर्जी जूम कर लो उसके पिक्सल जो है फटते नहीं है और वो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट होता है। तो आप लोगों को वेक्टर और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का थोड़ा फर्क पता चल गया होगा कि हम लोग क्यों ये यूज करते हैं व्हेन यू ज़ूमिंग इनटू फेस बेटी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो मेरा ये काम है, ये जो मेरी इसके पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर्स लगी हुई है उनका साइज बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको मैंने छोटा किया था, तो इस वजह से वो जो है वो पिक्सेलेट हो रहा है। क्योंकि ये मेरा मतलब यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था और मैंने मतलब इनको थोड़ा छोटा छोटा प्रिंट कराना था, तो मेरे लिए उस टाइम ये इशू नहीं था कोई इसको इस तरह करना। लेकिन मैं आपको ये दूसरी साइड दिखाती हूँ, इसकी ओरिजिनल अच्छा मैं आप लोगों से ना इसका इंशाल्लाह ना PNG वगैरह शेयर करूंगी ताकि आप इसको जूम करके देखो अच्छी तरह। अभी जो है देखो, साइज बहुत मैटर करता है। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हूँ, मेरे जो मेरे मेजर्स हैं वो UI UX हैं, और लेकिन मैं मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है। ठीक है, और मैं आप लोगों को इसकी PNG दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए के हाँ इसमें ना साइज का इशू आ रहा है, क्योंकि जो मेरी ये अभी जो मैंने आप लोगों को स्लाइड शेयर की है इनका साइज कुछ और है और मैंने जिस चीज पे बनाया था वो साइज कुछ और था। ठीक है,
सही है। अच्छा ये देखें, ये वाली एग्जांपल, यूजर इंटरफेस यूआई। यस यू आर राइट नोरीन, मैं यूआई यूएक्स यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस तो मेरा मेजर सब्जेक्ट है। अच्छा आप लोग ये देखें, ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एग्जैजरेशन की क्या जरूरत होती है। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैक्टर है और उसके साथ ही उसका कार्टून कैरेक्टर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे उसके जितने एक्सप्रेशंस हैं उनको कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के यहाँ पे दिखाया गया है, और इसी तरह ही कार्टून्स में होता है। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, आप लोगों को इस एग्जांपल से कुछ आइडिया हुआ है कि मतलब क्यों जरूरी होते हैं एक्सप्रेशंस? ठीक है, मैं ज्यादा फास्ट फास्ट तो नहीं लेके चल रही लेक्चर को, आप लोग मुझे बता सकते हो बीच में। ठीक है, हाँ, ये मुझे भी नहीं पता कौन है। ठीक है चलें, ये देखो शुरू में आप लोगों ने ना मुझे छोटे छोटे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिया करूंगी जिसके अंदर आप लोगों ने सिंपल इस तरह के कैरेक्टर डिजाइन करने होंगे। सही है, थैंक यू। अच्छा ये देखो, इसमें जो ये कैरेक्टर है कितना सिंपल है, और हमें उसको देख के पता चल रहा है कि वो किस टाइप का कैरेक्टर है, उसका बैकग्राउंड क्या होगा। मुझे रफली फटाफट बताओ कि तुम लोग सबको क्या देख के लग रहा है कि ये किस टाइप का करेक्टर है। राइट, यस, टॉल, गुड गुड, ठीक है, टायर्ड, ठीक है, सही है। मतलब सब को देख के समझ आ रहा है कि ये कैरेक्टर किस टाइप का है। सही है, ठीक है। अच्छा अब जो ये कैरेक्टर है उसका कलर पैलेट देखो, अगर इसकी जगह हम लोग इसकी कलर पैलेट ही चेंज कर दे। अच्छा कलर पैलेट के लिए मैं एक और अच्छी एग्जांपल दे सकती हूँ, वो मैं आप लोगों को देख बताती हूँ। इधर गए अंकल, रुक, थोड़ी देर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो। हाँ ये एग्जांपल देखो, सबको ये शो हो रही है? ठीक है। अच्छा जो ये एग्जांपल है इसमें इन करेक्टर को देख के क्या लग रहा है, ये किस टाइप के करेक्टर है? क्या ये आप लोगों को न्यूयॉर्क के लग रहे हैं? कोई बात नहीं मंसूर, आप लोगों के साथ ये करेक्ट पूरी रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप सबको ये आइडिया तो हो रहा है ना कि ये एक पाकिस्तानी करेक्टर है, ये बाहर का करेक्टर नहीं है। आप लोगों को क्यों लग रहा है ये कि ये पाकिस्तानी करेक्टर है और ये बाहर का करेक्टर क्यों नहीं है? ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, बिल्कुल सही, उसके गेटअप से। ठीक है आप लोगों ने सही जज किया, ठीक है, हमने उसकी ड्रेसिंग सेंस से ये जाना है कि वो एक पाकिस्तानी या इंडियन मुस्लिम करेक्टर कर लो। ठीक है, अब उस करेक्टर में आप लोगों को उसकी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है?
सीरियस ओल्ड ठीक है, मैच्योर सेंसिबल ठीक है, ठीक है। अब यानी आप लोगों को ये लग रहा है कि बहुत शरीफ और बहुत सेंसिबल आदमी है जो अपने एरिया में बहुत बुजुर्ग लोग माने जाते हैं, ये उस टाइप का जिससे सारे आके मशवरा लेते हैं, ठीक है, सबकी यही राय है कि वो इस टाइप का करेक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस करेक्टर में इसकी जो ड्रेसिंग है उसकी शर्ट में हम अगर रेड कलर डाल दें तो फिर क्या लगेगा? ठीक है, मॉडर्न। और सारे पार्टिसिपेट करो, सारों का जरूरी है ताकि मुझे पता चले आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। गैंगस्टर मुस्लिम ठीक है, मे भी चीज ठीक है। ठीक है, तो अब मतलब आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि कलर क्यों जरूरी है, शेप्स क्यों जरूरी है। जब भी हम कोई करेक्टर डिजाइन करते हैं तो उसकी रिसर्च वर्क क्यों जरूरी है। जब आप कोई करेक्टर बनाते हो तो उसका आप लोगों को पहले उसकी रिसर्च करनी है कि उस करेक्टर का नाम क्या होगा, उसका एज क्या होगा। करेक्टर की अभी सिर्फ बात हो रही है कि करेक्टर का नाम, करेक्टर की एज, करेक्टर का क्या एरिया है, वो किस एरिया से है, फिर वो मतलब घर में है, ऑफिस में है, किस जगह पे है, मार्केट गया हुआ है, बाहर का है, किधर का है, ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने करेक्टर की जब आपने पूरी रिसर्च कर ली, उसके बाद आपने देखना है कि वो करेक्टर किन के लिए बनाया जा रहा है, मतलब उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप जब भी कोई करेक्टर बनाते हो तो उनके लिए रेफरेंसेस लेते हो कि लोगों ने जो करेक्टर बनाए हैं उन्होंने क्यों ये करेक्टर बनाए हैं और उन्होंने क्यों इस तरह के करेक्टर बनाए हैं, ठीक है। जब आप ये रिसर्च कर लेते हो तो फिर आप अपने करेक्टर को यूनिक बनाते हो। कभी भी किसी का काम कॉपी नहीं करो। जब भी अगर आपको किसी का काम अच्छा लगे उस काम को देखो, उस काम को ट्रेस करो लो, लेकिन उसको इतना ज्यादा चेंज कर दो कि बिल्कुल भी ना पता चले कि आपने ये कहाँ से काम देखा और आपने किस तरह से इसे चेंज कर दिया। आप लोगों को कहीं ना कहीं से, अब जैसे आप में से ज्यादातर अगर आप इसको करेक्टर को देखो तो आपको देख के लग रहा होगा यार मैं बनाऊंगा इसको तो मैं तो उसको ऐसे करके बनाऊंगा, मैं तो इसको पतला नहीं बनाऊंगा, मैं इसे मोटा बनाऊंगा, इसकी टोपी इस तरह से नहीं बनाऊंगा। तो उस करेक्टर को पूरा ही चेंज कर दो कि वो आपका करेक्टर बन जाए, ठीक है। किसी का काम कभी कॉपी मत करो इस तरह कि वो मतलब ये चीज बिल्कुल अच्छी मानी नहीं जाती इस पूरी फील्ड में। आप हाँ आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो लेकिन आप उसे कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास बिल्कुल 15 मिनट रह गए हैं तो आप लोगों को तकरीबन सबको इंशाल्लाह समझ आया होगा कि हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या है, हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर क्या है कि हम पहले उसको स्केच करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको डिजिटली डिजाइन करेंगे। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? आप लोगों के लिए इस वीक की एक छोटी सी असाइनमेंट होगी और वो ये होगी कि आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगी और मैं आपको एक थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेजूंगी जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी जिसके अंदर आप लोगों को सेफ साइट है, वो उससे कोई वायरस नहीं आता। आप लोगों ने उससे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जो एक्टिवेटेड वर्जन आ रहा हो वो डाउनलोड करो, लेकिन अगर आप लोगों के लैपटॉप उनको नहीं उठा पा रहे तो आप लोग कोई पुराना वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई वेबसाइट्स पता है तो ठीक है, वरना जो मैं मेरी जो मैं जहां से डाउनलोड करती हूँ वो फाइल सी आर है। मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो। सही है। अच्छा मुझे ग्रुप में ये बताएं कि आप लोगों में कितने लोगों को फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का पता है?
और वो किस चीज के लिए यूज करते हो आप लोग? ठीक है, फोटो एडिटिंग, ठीक है, सही है। फोटो मैनिपुलेशन का आता है आप लोगों को? फोटो मैनिपुलेट मतलब आप लोगों को आइडिया है? ठीक है, बिजनेस फ्लायर कार्ड्स, ठीक है, थोड़ा सा सही है। पेन टूल का आइडिया है? ठीक है, अच्छा, ज्यादातर लोगों को पेन टूल का आइडिया है, तो जिनको पेन टूल का आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए और आसानी इस तरह से करूंगी कि जो वेबसाइट्स हैं उनसे हमें ना बहुत हेल्प मिलेगी। कि मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊंगी, उससे ना आपका पेन टूल पे ग्रिप बहुत अच्छा होगा। उसमें वो ना सिंपल शेप्स आती हैं जिसको आपने पेन टूल से ड्रॉ करना होता है, ठीक है, उससे आपका पेन टूल पे बहुत अच्छा ग्रिप हो जाएगा, जिनका पेन टूल पे ग्रिप नहीं है, ये उनके लिए मैंने कहा है। ठीक है, चलें, ठीक है। आप लोग अब मुझे थोड़ा बहुत अपना ये बताओ कि सबको मेरा लेक्चर क्लियर रहा है, सबको मतलब ठीक लगा, कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है आगे? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जो मटेरियल है वो मैं पूरा पूरा प्रोवाइड करूं, बल्कि मैं उससे भी ज्यादा कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मतलब इस कोर्स में जितनी ज्यादा हेल्प मिल सकती है मैं दूं, कि आप लोग मतलब खुद से उसे बनाना शुरू कर दो और उसको सेल करना शुरू करो। ठीक है, मैं आपको फिर भी मैं दोबारा बताती हूँ कि आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सबको रिकॉर्डिंग्स जो है मिलेंगी। आप लोग मुझे आप लोगों के ग्रुप बॉयज और गर्ल्स के सबके बने हुए हैं, आप लोग को मुझे उसमें भी बता सकते हो कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो जरूर प्रोवाइड करूंगी। हाँ, मैं जरूर, मेरा मतलब मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए इसलिए मतलब ये शुरू करवा रही हूँ कि ताकि मैं आपको डिटेल पढ़ाऊँ, और मैंने जहाँ से शुरू किया है शेप्स कलर और ये सारा कुछ, ये सब बेसिक्स हैं। आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लानी है ताकि हम लोग काम शुरू करें। आप लोग जानते हो कि ये सिर्फ 8 डेज का लेक्चर है, तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, ठीक है। देखो, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कवर कराऊं, और आप लोग अगर मतलब मेरे साथ कॉपरेट करोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सीखोगे। आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लोगों में से मुझे कोई भी पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकता, आप लोगों ने जो भी कांटेक्ट करना है मुझे ग्रुप पे करना है। ठीक है, देखो, यहाँ पे हम सारे सीखने आए हैं, तो अगर बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये एक स्टूपिड क्वेश्चन होगा, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं ना वो ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें लगता है ये स्टूपिड है वो, लेकिन वो स्टूपिड नहीं होते, ठीक है। जितना पूछोगे बहुत अच्छा होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगी, बल्कि हो सकता है मुझे भी वो चीज ना पता हो और मैं वो और सर्च करूँ और मुझे भी पता चल जाए और आपको भी पता चल जाए मेरी वजह से, ठीक है। तो आप लोगों ने हर चीज पूछनी है। देखो, मेरी कोशिश है कि मैं इसका एडवांस कोर्स भी रखूं, लेकिन अगर मुझे अच्छा मतलब फीडबैक लगा, मुझे लगा हाँ मेरे सिखाने से आ रहा है, तो इंशाल्लाह जरूर इससे आगे की फॉर्म भी रखी जाएगी। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और हाँ, एक और छोटा सा टास्क है आप लोगों ने, एक तो अपने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, और अगला टास्क ये है अपना करेक्टर सोचना शुरू कर दो, ठीक है। रिसर्च करो, गूगल पे जाओ, रिसर्च करो। मैं आप लोगों को ना एक जो असाइनमेंट है ना वो मैं आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख के आप लोगों को ग्रुप्स में दे दूंगी, और वॉइस नोट में भी समझा दूंगी कि क्या टास्क है, ठीक है, ताकि सबको समझ आ जाए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है काफी लोगों का नेट नहीं ठीक, और हो सकता है मेरा भी ना ठीक हो,
तो बीच बीच में आवाज इधर उधर हो जाती है। ठीक है, क्या सबके लिए ये लेक्चर अच्छा रहा है? हाँ, कोई भी करेक्टर बिल्कुल मर्जी है, ऑप्शनल है, जैसा मर्जी करेक्टर हो। मैं सिर्फ एक वर्ड कहूंगी, जैसे मुझे विलेज का करेक्टर चाहिए। अब विलेज में आपने फीमेल बनानी है, मेल बनाना है, किडो कोई भी हो, हाँ लेकिन इंसान का बनाना है। ठीक है, कोई जानवर का करेक्टर नहीं, इंसान करेक्टर आप लोगों ने डिजाइन करना है। ठीक है, और मेल फीमेल ऑप्शनल है। यस, एनीथिंग, कुछ भी चलेगा, बच्चा बड़ा बूढ़ा कुछ भी, लेकिन इंसान करेक्टर हो और आप लोगों ने रिसर्च करनी है कि वो करेक्टर किस तरह का। देखो, ये करेक्टर बहुत सोच के रखना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग वो ही करेक्टर पूरे कोर्स में लेके फाइनल करोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि वो ही करेक्टर आप लोगों का पूरे कोर्स में डिटेल से आप लोग एंड तक लेके जाओगे। तो बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी एक रिकॉर्डिंग भेजूंगी, वॉइस मैसेज करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आप लोगों ने क्या असाइनमेंट करनी है, किस तरह से करनी है, तो ताकि कोई मसला ना हो, क्योंकि अभी हमारा 8 तक लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो और वॉइस मैसेज ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि सबके लिए ठीक, सबको समझ आ जाए। सही है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो, रुको ये मैंने क्या किया, रुको। तो सबके लिए था लेक्चर, सबको समझ आ गया है, मुझे पूरा यकीन है सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो मुझे आप लोग इनबॉक्स में बताओ। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब सब मुझे इनबॉक्स में बताते रहो कि सबको समझ आई है मेरी बातें, और कहीं पे कोई मुश्किल चीज तो नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मेरा लेक्चर फास्ट था। और ना एक और बात ये है कि आप लोगों को मैं एक लिंक दूंगी, आप लोगों ने काइंडली उस पे जाके इस कोर्स का फीडबैक देना है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करो कि आप लोग इस कोर्स का फीडबैक दो, और ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या क्या सिखाना है। देखो, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सिखाऊं, ताकि आप लोग इस चीज पे कमाना शुरू कर दो, इसी कोर्स के बाद कमाना शुरू कर दो, मेरी पूरी कोशिश होगी इस पे। सही है, कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताओ। प्रैक्टिसिंग पेन टूल वेबसाइट, जी जी देखिए, जो मटेरियल है ना, मैं अभी इंशाल्लाह लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आप लोगों की असाइनमेंट और आप लोगों को जो वेबसाइट है वो और पेन टूल जो है उसकी वेबसाइट मैं आगे शेयर करूंगी, जब मैं खुद सिखा दूंगी उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगी, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो उस पर। ठीक है, क्यों यार, बहुत, मतलब अगर आप लोग अपने काम में क्रिएटिव हो ना, तो आप लोग आराम से, आप लोगों को पता है रिसेंटली मैंने 2500 का ईच करेक्टर सेल किया हुआ है। ठीक है, मैंने, मुझे टोटल 7 करेक्टर डिजाइन करने थे और मुझे हर एक करेक्टर का 2500 पे किया गया है। आप लोग अगर अपने काम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैंने पढ़ाया, आपने घंटे का लेक्चर लिया और काम खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फील्ड के अंदर जितना सीखोगे उतना ही अच्छा है। आप लोग मुझे इनबॉक्स के अंदर काइंडली सारे साथ साथ रिप्लाई देते रहो, क्योंकि देखो एक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आप लोग ज्यादातर, आप लोगों को अगर एनएस का आइडिया होगा कि एनएस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है ऑनलाइन काम सीखने के लिए। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाऊंगी।
जी बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग जल्दी मिलेगी, आपको असाइनमेंट्स, आपके टास्क सब कुछ इंशाल्लाह इसी लेक्चर के बाद घंटे के अंदर अंदर मैं सब प्रोवाइड कर दूंगी। मैम फाइवर पे तो एक्सपेंसिव चलते, देखो क्योंकि मैं खुद अभी जो हूँ एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं मतलब मुझे 2.5 से 3 साल होने वाले हैं फ्रीलांसिंग करते हुए, ठीक है। शुरू में जो था मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट ले रही थी, मैंने इवन के 200 से भी कमाना शुरू किया है, ठीक है। आप जब कमाना शुरू करते हो ना तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ के कमाना शुरू कर दो। अभी जब आप बिगनिंग लेवल पे होते हो ना तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आपको कितने पैसे दे रहे हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। देखो आप आज से अभी मतलब मैं भी अपने क्रिकेट देखती हूँ ना पहले वाले जो आज से मैंने 2-2.5 साल पहले बनाए, मुझे लगता है यार ये मैंने ही बनाए हैं, मतलब इसमें तो ये भी मसला है, इसमें तो ये भी मसला है, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया था। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना तो आप लोगों का हाथ साफ होता है, आप लोगों को आइडियाज आने लग जाते हैं। तो अगर आपको कोई 500 में भी कहता है ना कि यार मुझे इतना सा ये चीज बना दो, तो उसको उस कीमत के हिसाब से बना दो, मना मत करो। एक तो ये कि वो आपकी प्रैक्टिस में ऐड हो जाता है, आपकी रिसर्च होती है उस चीज पे। और आपको मैंने ये नहीं कहा कि हाँ जी उसको आप लोग 500 में 3,000 वाला या 6-7,000 वाला काम दो, उसको 500 में 500 वाला काम ही दो, लेकिन उसको मना मत करो। ये आप लोगों की मतलब बहुत जरूरी होता है आपका एक्सपीरियंस उसके लिए। बिल्कुल, देखो जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो ना तो आप लोगों को मार्केट रेट का अंदाजा हो जाना चाहिए और अपनी मेहनत का हमेशा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीजें मैं सिर्फ बिगनिंग लेवल पे बता रही हूँ कि शुरू कर दो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लो, काम करो, दो इंशाल्लाह आप लोगों का हाथ बैठेगा, आप लोग काम सीखोगे, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और आप लोग इंशाल्लाह इससे ज्यादा कमाओगे। ये मैं बहुत कम बता रही हूँ, ये रेंज नहीं है हमारी ग्राफिक डिजाइनर्स की, ये रेंज बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हो तो आप लोगों को बहुत मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन अपनी प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लो ताकि आगे काम मिले। चलो इंशाल्लाह, देखो 8 हो गए हैं, क्लास का टाइम यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है सब समझ आया होगा, और काइंडली फीडबैक जो है मैं आपसे जो लिंक शेयर करूंगी उस पर आप सब कमेंट्स करो, फीडबैक दो इस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मैं इंशाल्लाह सारा कुछ घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड करूंगी।